स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रशिंग लेबर यूनियन की महिलाओं ने निकाली रैली, विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। पुलिस की मौजूदगी में शुरू हुआ नारायण आश्रम ट्रस्ट भूमि पर चार दीवारी निर्माण कार्य, रास्ते की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने की एसडीएम से गुहार। प्रशासन को दी शिकायत के बाद भी बदस्तूर जारी है मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर लगाई एसडीएम से गुहार। और तीन बाइक सवार उच्चकों ने उड़ाई महिला के गले से 3 तोला सोने की चैन, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए उच्चके। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के प्रतापनगर गली संख्या 4 में शुक्रवार दोपहर में बाइक सवार उच्चकों द्वारा एक महिला से किसी घर का पता जानने के बहाने उसके गले से 3 तोला वजनी सोने की चैन उड़ाने का मामला सामने आया है। तीन बाइक सवार उच्चकों की उक्त करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया तथा पीड़िता के बयान दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले तथा फुटेज कब्जे में लिए। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर निवासी श्रीमती सीमा बाहे पत्नी मयंक बाहेती अपने पुत्र को लेकर घर की ओर आ रही थी कि इस दौरान तीन बाइक सवार वहां पर आए। इनमें से एक युवक पैदल चलते चलते श्रीमती सीमा से किसी घर का पता पूछने लगा। श्रीमती सीमा बातचीत कर ही रही थी कि युवक ने मौका देखकर उसके गले में झपट्टा मारकर 3 तोला वजनी सोने की चैन उड़ा ले गया। थोड़ी देर तक भागने के बाद पहले से ही एक गली में बाइक पर खड़े दो अन्य युवकों के साथ बाइक पर बैठकर वह भी फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तब तक सभी युवक आंखों से ओझल हो गए। मौके पर एकत्रित हुए क्षेत्रवासियों ने घटना की जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो तीनों युवक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। मैं अपनी बेटी को लेने आई थी तो गली नंबर 4 से टर्न कर रही थी चौराहे से। तीन लड़के खड़े थे बाइक पे, उनमें से एक लड़का आया मेरे से एड्रेस पूछने आया था और मेरी चेन खींच के भाग गया। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाई थी, थोड़ा धीरे ही चिल्लाई थी और उसके पीछे भाग गई, वो बाइक पे बैठ के भाग गया। अजमेर रोड स्थित नारायण आश्रम भूमि प्रकरण में पूर्व में तहसील प्रशासन की ओर से किए गए सीमांकन पर गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन द्वारा किए गए ऐतराज के बाद शुक्रवार को ट्रस्ट की ओर से उक्त भूमि पर चार दीवारी का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। ट्रस्ट की ओर से चार दीवारी का निर्माण शुरू करवाने पर क्षेत्रवासियों ने ऐतराज जताते हुए इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी व नगर परिषद प्रशासन को दी। मौके पर एकत्रित हुए क्षेत्रवासी नरसिंहपुरा के आम रास्ते के लिए 30 फुट जमीन छोड़ने की मांग कर रहे थे, जबकि ट्रस्टियों का कहना है कि जब तहसील प्रशासन ने सीमा ज्ञान करते हुए उक्त रास्ते को केवल 15 फीट का बताया है तो फिर 30 फीट का रोड किस आधार पर जोड़ा जाए। मामले की नजाकत को देखते हुए सिटी थाना अधिकारी यशवंत यादव भी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा तहसील प्रशासन की ओर से किए गए सीमांकन के आधार पर हो रहे निर्माण कार्य को जायज ठहराया। उधर क्षेत्रवासियों ने इस मांग को लेकर उपखंड अधिकारी पीयूष तमारियों को ज्ञापन दिया तथा नरसिंहपुरा वाले रास्ते के लिए 30 फुट जमीन छुड़वाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त रास्ता वर्षों पुराना है और यहाँ पर चार दीवारी निर्माण से केवल 15 फीट जमीन बच रही है, जिसके कारण यहाँ से आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों की ओर से ज्ञापन दिए जाने के बाद उपखंड अधिकारी समारिया भी मौके पर पहुंचे तथा वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस प्रकरण में नारायण आश्रम के ट्रस्टी प्रेम किशन गर्ग ने बताया कि रास्ते के मामले को लेकर पूर्व में की गई शिकायत पर न्यायालय ने रमेश आचार्य, भंवर सिंह भियावत, पुष्प चंद भंसाली तथा महावीर प्रसाद सेन को पक्ष रखने के लिए समय दिया था, लेकिन वे न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते न्यायालय ने मुझे राहत प्रदान करते हुए मौके पर सीमांकन अनुसार पत्थरगड़ी करने की अनुमति दी है।
वर्तमान में दस्तावेजों के आधार पर ही चार दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। मालूम हो कि शहर के अजमेर रोड स्थित नारायण आश्रम की भूमि प्रकरण में तहसील प्रशासन ने 10 मार्च को खसरा संख्या 222, 223 तथा 224 का सीमांकन करते हुए पत्थरगड़ी की कार्यवाही की थी, लेकिन अब नगर परिषद प्रशासन ने तहसील प्रशासन की उक्त कार्यवाही पर ऐतराज जताया है। परिषद का आरोप है कि तहसील प्रशासन ने सीमा ज्ञान की जानकारी परिषद प्रशासन को नहीं दी और न ही अन्य खसरों की जानकारी लेकर सीमा ज्ञान किया है, जिसके कारण अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने वालों में पार्षद हनुमान चौधरी, नरेश कनौजिया, ब्रजराज सिंह, रतनलाल, मोहनलाल, भंवर सिंह भियावत सहित क्षेत्र के अन्य लोग शामिल थे। प्रशासन हमको नाप के दिया है, हम अपनी सीमा के अंदर हैं, हम बाहर बिल्कुल नहीं है और ना हमको एक इंची भूमि चाहिए किसी की भी। प्रवासियों को कहना है कि मतलब हम लोग जो है बाहर गए, जबकि बिल्कुल गलत मिथ्या प्रचार है, क्योंकि जो कुछ भूमाफिया है वो इसके अंदर इंक्लोज है, इसलिए वो चाहते हैं ट्रस्ट की भूमि। और 40 साल मुझे मुकदमा लड़ते हो गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया। उधर इस प्रकरण में क्षेत्रवासी भंवर सिंह भियावत ने बताया कि चार दीवारी करवाने से कॉलोनी का वर्षों पुराना रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। पूर्व में उक्त रास्ता 30 फुट चौड़ा है, लेकिन चार दीवारी निर्माण के बाद यह मात्र 15 फीट का ही रह जाएगा, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भियावत ने कहा कि उक्त स्थान का सीमा ज्ञान पुनः करवाया जावे तथा नरसिंहपुरा वाले रास्ते के लिए 30 फीट जमीन पूर्व की भांति छोड़ी जावे। नरसिंहपुरा में अभी ये नारायण आश्रम वाला जो रोड बना रहा है, वो रोड नक्शे के हिसाब से 30 फुट चौड़ी है, लेकिन मौके पे जो निर्माण कर रहा है वो 15 फुट ही रोड रह गई है। और ये नरसिंहपुरा और की मेन रोड है, यहाँ काफ़ी लोगों का, हजारों लोगों का रोज आवागमन है, उस आवागमन को अवरुद्ध कर रहा है। इसलिए हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये नगर परिषद में नक्शे के हिसाब से 30 फुट रोड है, तो इसको 30 फुट रोड छोड़ के निर्माण किया जावे। शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित कैलाश कॉलोनी के निवासियों की ओर से क्षेत्र में एक निजी कंपनी की ओर से करवाया जा रहा मोबाइल टावर निर्माण कार्य प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी बदस्तूर जारी है। शुक्रवार सुबह भी टावर निर्माण कार्य निर्बाध गति से जारी रहने पर क्षेत्रवासी पुनः उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे तथा शिकायत के बाद भी मौके पर टावर निर्माण कार्य जारी रहने की जानकारी देते हुए उक्त निर्माण कार्य को रोकने की गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गुरुवार को उक्त टावर निर्माण की शिकायत करते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद है, उल्टा निर्माणकर्ताओं द्वारा काम को रुकवा कर दिखाने की धमकी दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी से मोबाइल टावर निर्माण के बाद होने वाले नुकसान तथा परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही इस निर्माण को रुकवाने की एक बार फिर गुहार की है। शुक्रवार को SDM से मुलाकात कर शिकायत करने वालों में दीपक दग्दी, गौरव भाटी, राजू गहलोत, सुरेश भाटी, गौरव किशन, राकेश सोनू तथा हरीश दग्दी आदि शामिल थे। ग्राम पंचायत नोंदरी, वहाँ पर टावर लगा दिया गया रातों रात, वो भी सभापति की ज़मीन थी। क्या सभापति के ससुराल वालों की ज़मीन टावर लगा दिया रातों रात, किसको कोई कार्रवाई नहीं? क्या कल हम ज्ञापन देना है SDM साहब को, तो उनको कहना है कि वो अपने काम रुकवाया जाए। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी सुबह हम गए तो और स्पीड से काम चल रहा है, उन्होंने 4 आदमी और एक्स्ट्रा लगा दिया उन्होंने, और स्पीड अभी भी फुल काम चल रहा है। राजस्थान सरकार के तत्वावधान में विश्व द्वारा संचालित कार्यक्रम निःशुल्क स्वास्थ्य चेतना शिविर का आयोजन शुक्रवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में किया गया। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ीथोरियान ब्यावर की ओर से आयोजित शिविर का शुभारंभ पार्षद हनुमान चौधरी ने किया। शिविर के दौरान कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों, प्रसूताओं तथा आमजन के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए उन्हें उपचार तथा परामर्श दिया गया। इस दौरान प्रसूताओं के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उन्हें नियमित रूप से दिए जाने वाले टीकों की जानकारी देते हुए टीके भी लगाए गए। शिविर के दौरान डॉक्टर CL परिहार, संजय शर्मा, लक्ष्मण सिंह सैनी, दीपिका गहलोत, आशा शर्मा, SSDO परमेश्वर, CHM कमल सिंह मीणा, सुरेश चंद, सुनीता चौहान, सुनीता देवी तथा रेशम कंवर आदि ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों, प्रसूताओं तथा आमजन ने भाग लेकर स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर लाभ प्राप्त किया।
प्रसव के बाद नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने तथा इसमें बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 4 दिवसीय IVF प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को आशा सहयोगियों तथा यशोदाओं को IVF ब्रेस्ट फीडिंग, गर्भवती महिलाओं के खान पान तथा व्यवहार के बारे में आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के खान पान तथा व्यवहार संबंधी जानकारी तथा प्रसव के बाद प्रथम 6 माह तक बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाने संबंधी जानकारी दी गई। आशा सहयोगियों तथा यशोदाओं को बताया गया कि माँ को इस बात की जानकारी अवश्य दी जावे कि माँ के पीले व गाढ़े दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसके सेवन से बच्चे को हर प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 20 आशा सहयोगियों तथा यशोदाओं को पहली पारी में प्रशिक्षण तथा दूसरी पारी में सभी को AKH की गायनिक यूनिट में ले जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण PHN श्रीमती रेखा बाग, राकेश शर्मा तथा राहुल शर्मा आदि प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे संस्था पे DTC ब्यावर पे माँ ट्रेनिंग चल रही है। माँ का पूरा जैसे अपन समझे तो ये है कि मदर्स एब्सोल्युटली अफेक्शन, और ये ट्रेनिंग जो है IVF और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों को करके मतलब एक जो पूरा जो पैकेज बनता है वो माँ ट्रेनिंग के अंदर है। मतलब इसके अंदर जन्म के पश्चात बच्चे को कैसे स्तनपान महिला कराए, क्या क्या तरीके काम में ले, क्या पोजीशन रखे, कैसे लगाव रखे और किन किन परिस्थितियों में उसको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है, या पहली बार जो माँ बनती है उनको सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, तो किस तरीके से कराएं, तो वो तरीका बताना, वो सारा मेथड्स के बारे में बताना किस तरह से बच्चे को ले, किस तरह से करें, और परामर्श जो है कि यहाँ बहुत ज़्यादा है कि जो पहली बार माँ बन रही है उसका गर्भावस्था के 4th विजिट से ही हम उसकी परामर्श जो है वो शुरू कर देते हैं। उदयपुर रोड स्थित प्रेरणा गार्डन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मॉडल प्रशिक्षण के 4th चरण के तहत आशाओं को महिला हिंसा को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान 3rd दिन शुक्रवार को महिला हिंसा के कारण पर जानकारी दी गई। शिविर के दौरान उपस्थित ट्रेनरों ने बताया कि वर्तमान में बढ़ती हिंसा के मुख्य कारण समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, दहेज, अल्पायु में शादी, लिंग भेद, अकेलापन तथा पितृसत्ता शामिल है। बताया गया कि इन सभी कारणों के चलते महिलाओं का समाज में दर्जा द्वयम दर्ज का हो रहा है, जिसके कारण महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाती है और हिंसा का शिकार बन जाती है। इस दौरान उपस्थित आशाओं को महिला हिंसा को रोकने के लिए समाज व्याप्त इन कारणों को दूर करने के लिए महिलाओं को जागृत करने तथा उनके अधिकारों के प्रति सावचेत करना होगा। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही आशाओं से भी इस संदर्भ में सवाल किए गए ताकि कारणों का स्पष्टीकरण हो सके। शिविर में आशाओं को अन्य प्रकार के 26 गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर, निर्मला PK, LHV जवाजा, गायत्री चौहान LHV किशनपुरा, देवेंद्र चौहान ट्यूटर एंड NMPC सेंटर, रामकन्या विष्णु पवार, गायत्री देवी, निर्मला हेमलता, उषा साहू, जूली शर्मा, मंजू सेन, सीमा कुमावत, सरोज चौहान सहित 30 अन्य आशाएं उपस्थित थी। हमारे ब्यावर में जवाजा ब्लॉक से मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर, और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, मॉड्यूल 6 है उनकी, आशाओं की ट्रेनिंग है, जिसमें हम इनको आज का जो हमारा 2rd दिन है इनका महिलाओं का, और हमने AKH ब्यावर की आशाओं की ट्रेनिंग आज करवा रहे हैं, और इसमें जो महिला हिंसा का टॉपिक पे हम अभी इनसे बातचीत कर रहे थे, और ये 5 दिन का हमारा पूरा बैच है, और 13 तारीख को ये शुरू हुआ, 14 तारीख को हमने शुरू किया इसको, और 18 तारीख को इसको हम ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद एक बैच और होगा हमारा, वो भी ब्यावर का बैच रहेगा, तो ये मॉड्यूल 6-7 की 4th राउंड की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नुंद्री मालदेव ग्राम पंचायत के ग्राम मोतीनगर के बाशिंदों ने पंचायत प्रशासन की ओर से मुख्य सड़क पर करवाए जा रहे नाला निर्माण का विरोध करते हुए सरपंच पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने नाला निर्माण कार्य पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जता रहे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य सड़क पर जो नाला बनवाया जा रहा है उसे मुख्य नालियों से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस बाबत सरपंच को अवगत कराया गया, लेकिन सरपंच ने उल्टा ठेकेदार को नाले का निर्माण रोकने के आदेश दे दिए, जिसके कारण नाले का निर्माण भी अधूरा रह गया और क्षेत्रवासियों की मांग भी पूरी नहीं हुई। लोगों ने बताया कि ग्रामीणों ने जब ठेकेदार से उक्त नाले के निर्माण का लेआउट मांगा तो उसने ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्रकरण की जानकारी विकास अधिकारी से लेकर नाले का निर्माण यथाउचित तरीके से करवा कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने की मांग की है। शुक्रवार को विरोध जताने वालों में कुलदीप सिंह, लखन बंजारा, गणपत लाल, पंकज, श्रवण सिंह सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रशिंग लेबर यूनियन ब्यावर के बैनर तले महिला श्रमिकों ने शुक्रवार को एक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी ब्यावर को अपने हितों तथा अधिकार की रक्षा के लिए एक 8 सूत्री ज्ञापन दिया। शहर के अजमेर रोड सातपुलिया स्थित द्वारकाधीश गार्डन के यहाँ एकत्रित हुई सभी महिला श्रमिकों ने अपने हाथों में अपनी मांगों के संदर्भ में बैनर तथा तख्तियां लेकर रैली के रूप में रवाना हुई। रैली में शामिल महिला श्रमिक स्वच्छ पानी और शौचालय श्रमिकों का है अधिकार, वादा करो सुरक्षित कार्यस्थल का वादा करो सहित अन्य प्रकार के स्लोगन तथा नारे लगाते हुए चल रही थी। रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुँचने के बाद महिला श्रमिकों ने SDM को एक 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में महिला श्रमिकों ने कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं, कार्यस्थल पर उड़ने वाली धूल के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता, सुरक्षित मशीनरी, कार्यस्थलों पर शौचालयों की अनुपलब्धता, कार्यस्थल पर 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने, दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजे की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ाव नहीं होने के साथ साथ चौकटियों के निकट शौचालयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिला श्रमिकों को शर्मसार होना पड़ता है आदि सभी प्रकार की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की गई। महिला श्रमिकों ने SDM से गुहार लगाई कि अगर कार्यस्थल पर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है तो फिर महिलाओं के साथ होने वाली शोषण की घटनाओं में कमी आएगी। रैली में बड़ी संख्या में मिनरल व्यवसाय से जुड़े महिला श्रमिकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल थी। स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रशिंग लेबर यूनियन के माध्यम से ज्ञापन दिया कि ब्यावर में कृषि इकाइयों में जो महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो किस तरीके से विभाग के संग मिलकर हम एक ऐसी बैठक आयोजित कर सकते हैं जिसमें सभी विभाग आए और उनके द्वारा जो भी यहाँ पे मापदंड पूरे करने हैं उनको हम किस तरीके से बेहतर कर सकें जिससे महिलाओं की आजीविका को भी हम सुरक्षित रख सकें और कार्यस्थल पर जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको मिल सके। तो इसके लिए आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम इस विषय पर कुछ निर्णय लेंगे और एक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें सभी संबंधित विभागों को। सर हमारी मांगों को लेकर आइए, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी मजदूर के लग जाती है हाथ पैर तो कुछ भी हो जाता है तो पट्टी बंधा कर वापस घर पर भेज देते हैं, नहीं तो उतनी उचित मुआवजा देते हैं, नहीं कुछ करते हैं। और फैक्ट्रियों में लेडीज़ के लिए नहीं तो टॉयलेट है, नहीं नहाने वाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और आस पास के बाल बच्चे काम कर जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं होती उनके लिए। आज अपनी मांगों को लेकर आइए, इतनी मांगों को लेकर आइए। विजयनगर रोड सूरज कॉलोनी स्थित महाकालेश्वर शिव मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान शुक्रवार को संत अर्जुन राम महाराज ने अपनी अमृतमय वाणी में भगवान की परम भक्त सबरी का भावपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता से सरोबार कर दिया। इस दौरान महाराज ने भक्त शिरोमणि माँ सबरी की नवध्या भक्ति तथा उनके द्वारा किए गए भगवान के इंतजार तथा भगवान राम को खिलाए गए झूठे बेरों के बारे में वृतांत सुनाया। इस दौरान उन्होंने सबरी के प्रभु प्रेम को भी दर्शाया। कथा रसपान करवाते हुए संत अर्जुन राम जी महाराज ने कहा कि युवा पीढ़ी वृद्ध जनों के अनुभव रूपी कंधों पर बैठकर चले तो उन्हें अपना लक्ष्य सहज प्राप्त हो सकता है। युवाओं के पास अनुभव व परिपक्वता की कमी के कारण उनके पास दृष्टि नहीं है और वृद्ध जनों के पास शक्ति न होने के कारण वे विकलांग है। अगर दोनों का समन्वय बैठ जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। मार शक्ति को अति सम्मान देते हुए संत ने कहा कि संस्कारवान पुत्र केवल एक कुल का उद्धार कर सकता है जबकि संस्कारवान पुत्री दो कुलों का उद्धार करती है, अति संस्कारवान पुत्रिया समाज की अमूल्य निधि है। संत ने कहा कि उच्च कुल में जन्म लेकर और सुंदर शरीर पाने के उपरांत भी हरि के चरणों में प्रतीति न हो तो ऐसा उच्च कुल और सुंदर तन व्यर्थ है।
संसार की आसक्ति जब घटने लगती है तब वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगता है, प्रभु स्मरण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। कथा आयोजक कैलाश हरिव्यासी ने बताया कि शनिवार को रामकथा के दौरान हनुमान चरित्र और सुंदरकांड के प्रसंग से संबंधित कथा होगी। शहर में नवरात्र के मौके पर विभिन्न समाजों तथा संगठनों की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नवरात्र स्थापना के अवसर पर घर घर दीपक जलाएंगे तथा एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। इसी क्रम में सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल साहिब के अवतरण दिवस पर दो दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रविवार को समाज के लोग अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों के सामने दीप जलाकर स्वागत करेंगे। चेटीचंड महोत्सव संयोजक दयाल गुंडानी के अनुसार रविवार सुबह बहराना साहिब की नगर परिक्रमा कराई जाएगी। शाम 4 बजे बहराना साहिब नंदनगर स्थित झूलेलाल मंदिर पर मेला होगा। मेला संयोजक भगवान दरियानी ने बताया कि रविवार रात्रि 9 बजे से सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी जाएगी। प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयसवानी ने बताया कि अगले दिन सोमवार को सुबह प्रभात फेरी एवं देव स्नान, दोपहर में आम भंडारा तथा शाम को 4 बजे बहराना मंदिर प्रांगण में एवं शाम 5 बजे से उदयपुर रोड स्थित ओम सत्यम गार्डन में सिंधियत मेले का आयोजन किया गया है। मेले में बच्चों के लिए आकर्षक झूलों तथा स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉलें सजाई जाएगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसी क्रम में अजमेर रोड से शक्तिपीठ दादी धाम पर चैत्र नवरात्रि महोत्सव 18 से 25 नवंबर तक हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्र स्थापना के मौके पर रविवार सुबह प्रातः 10 बजे से ध्वजारोहण के साथ शुरू होने वाले नव महोत्सव के तहत शाम को एक शाम प्यारे के नाम, सोमवार को एक शाम राधा रानी के नाम, मंगलवार को एक शाम हनुमान जी के नाम, बुधवार को एक शाम किशोरी जी के नाम, गुरुवार को एक शाम राधा रानी के नाम, शुक्रवार को एक शाम दादी के नाम, शनिवार को भारत विकास परिषद महिला मंडल की ओर से भजन संध्या तथा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार 25 मार्च अष्टमी नवमी के मौके पर हवन पूर्णाहुति तथा विशाल संगीतमय मंगल पाठ व 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। मंगल पाठ की प्रस्तुति गोपाला ग्रुप की ओर से दी जाएगी। चैत्र नवरात्रि में नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर नव संवत्सर समिति की ओर से शहर में शनिवार शाम को सुभाष उद्यान स्थित विचली तालाब में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित शहरवासी आटे के दीपक जलाकर तालाब में छोड़ेंगे ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ जलचरों को भोजन भी मिल सके। इस दौरान तालाब की पाल पर महिलाओं की ओर से आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी तथा 4 बजे से मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दौरान चाट पकौड़ी के स्टॉले तथा झूलों की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अंत में रात्रि 8 बजे से महाआरती की जाएगी तथा इसके पश्चात श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से सुभाष उद्यान से भारत माता सर्किल तक संध्या फेरी निकाली जाएगी तथा रविवार सुबह नववर्ष के स्वागत में रघुनाथ जी के मंदिर में महाआरती कर श्रीफलों का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार भारत विकास परिषद की ओर से भी नववर्ष की पूर्व संध्या पर रोशनी की जाएगी तथा शहर के प्रताप नगर, हाउसिंग बोर्ड किशनगंज, आदर्श नगर, रिको हाउसिंग बोर्ड चंपानगर तथा बैंक कॉलोनी आदि क्षेत्रों में दीपक जलाकर रोशनी की जाएगी। इसी प्रकार रविवार को सुबह नववर्ष का स्वागत करते हुए नगर वासियों का अभिनंदन किया जाएगा। जिला रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार शाम को उदयपुर रोड स्थित नरबतखेड़ा गांव में एक पोल्ट्री फार्म पर दबिश देकर वहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर भंडारण कर बेचने के गौरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। कार्यवाही के दौरान टीम ने 409 सिलेंडर, एक ट्रक जब्त कर पोल्ट्री फार्म के मालिक हिमांशु मेवाड़ा को भी गिरफ्तार किया है। जब्त सिलेंडरों में 216 गौ गैस तथा 193 BPCL कंपनी के शामिल है। दोनों कंपनियों की अधिकृत एजेंसी ब्यावर शहर में नहीं है। रसद विभाग ने पोल्ट्री फार्म व्यवसायी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा को शिकायत मिली थी कि नरबतखेड़ा स्थित विजय पोल्ट्री फार्म पर अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर उनका वितरण लंबे समय से किया जा रहा है। शिकायत पर जिला रसद अधिकारी शर्मा स्वयं शुक्रवार शाम को अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा पोल्ट्री फार्म पर दबिश दी। दबिश के दौरान उन्होंने मौके से 409 सिलेंडर तथा परिवहन के काम आने वाले एक ट्रक को मौके पर मिला जिसे दल के लोगों ने जब्त कर लिया। जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि जब्त शुदा सभी सिलेंडर अजमेर भेजे जाएंगे तथा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में जांच की जाएगी कि जब यहां पर एजेंसी नहीं है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर किस लिहाज में रखे हुए हैं। शर्मा ने बताया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट प्रकरण के बाद बढ़ती जा रही सख्ती के कारण अब कमर्शियल गैस सिलेंडरों की बिक्री में वृद्धि हुई है और छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री में कमी आई है। शिकायत मिली थी इस बारे में, यहाँ नरबतखेड़ा जो जवाजा मार्ग के गांव है, यहाँ एक
नौहरे में सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया हुआ है। तो हम हमारी टीम के साथ आए, हमारे साथ सेल्स ऑफिसर जो भारत पेट्रोलियम के हैं, और मेरी टीम ने जाके जाँच की तो मिस्टर हिमांशु मेवाड़ा करके जो लड़का था उसको बुलाया मौके पर। तो देखे तो BPCL के व्यावसायिक सिलेंडर करीब 216 और गो गैस कंपनी के सिलेंडर कुल मिला के 409 सिलेंडर सीज़ किए हैं जो अवैध भंडारण किया होता है। कोई इनका लाइसेंस या कोई डीलरशिप किसी तरीके नहीं थी। तो अभी भी आपको पता ही है ब्यावर में जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है उस समय में सबको इस तरह से बार बार ताकीद भी की जा रही है, समझाइश की जा रही है, परंतु इन लोगों ने कोई समझाइश नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई की है। उधर मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी हिमांशु मेवाड़ा ने बताया कि वह गो गैस तथा BPCL कंपनी के सिलेंडरों को परिवहन करने का काम करता है। वाहन खराब होने के कारण इतना स्टॉक पोल्ट्री फार्म पर हो गया है। उसने बताया कि ब्यावर में तो इसकी कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों में आने वाले कंपनी के वाहन यहाँ पर सिलेंडर उतार जाते हैं जिन्हें वह परिवहन करता है। सारा कमर्शियल का सर ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेरे पास, लीगली सारा SV के थ्रू माल दे रहा हूँ, सब लीगली जा रहा था माल। अभी गाड़ी ख़राब होने की वजह से सिलेंडर नीचे रखे थे, बाकी सारे सिलेंडर फैक्ट्री से आए हुए थे जो मेरे को करवाने थे, पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से नहीं जमा करा पाया। मैं ही जाता है सर सारा माल उसी में, बाकी इसमें मैं जो ट्रक है उसमें सारे खाली सिलेंडर रखता हूँ, भरे हुए नहीं रखता हूँ सर उसमें, उसमें केवल भरे हुए 10 से 12 सिलेंडर ही, बाकी ज़्यादा नहीं थे सर। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अब गाड़ी आ रही है माल, अगर मेरे को किसी फैक्ट्री से खाली सिलेंडर मिल रहे हैं तो सर एक बार तो मुझे यहीं स्टोर खाली तो कर ही सकता हूँ ना सर, भरे हुए तो स्टोर कर ही नहीं रहा हूँ। क्या प्रेजेंट में तो कोई काम है नहीं मेरे पास, गो गैस का काम था वो मैंने रिजाइन कर दिया था, बाकी अभी जो है मैं केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रहा था, भारत का ही देख रहा था, भारत गो गैस सबका ही देख रहा था सर, ट्रांसपोर्टेशन में कोई फिक्स थोड़ी नहीं था, जिसका होता उसी का कर लेता था। निकटवर्ती ग्राम रामपुरा मसूदा में खेत में काम कर रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद तीनों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, जहां पर 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक अन्य की हालत ज्यादा खराब होने के कारण भर्ती कर लिया गया। घायलों में बाबू सिंह पुत्र दल्ला सिंह रावत, धनपत पुत्र नारायण सिंह तथा सांवर सिंह पुत्र जस्ता सिंह निवासी रामपुरा शामिल है। इसी प्रकार शहर के सेंदा रोड स्थित रावत होटल के सामने अनियंत्रित होकर बाइक स्लिप होने के कारण बाइक सवार नितेश उर्फ पिंटू पुत्र पारस कुमावत निवासी नंदनगर के सिर में चोट आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। इसी प्रकार करंट की चपेट में आने के कारण नुंद्री मेंद्राता निवासी लोकेश पुत्र राम सिंह उदयपुर रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आकर अचेत हो गया। अचेतावस्था में काम करने वाले अन्य लोगों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। ब्यावर विद्युत वितरण निगम की ओर से शहर के छावनी पावर हाउस स्थित GSS की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। निगम की ओर से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत GSS में स्थापित 5 MVA को बढ़ाकर 8 MVA किया गया है। ब्यावर विद्युत वितरण निगम के CSD प्रथम के अधिकारियों की ओर से GSS में स्थापित 5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर पर बढ़ते दबाव के चलते पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद मुख्यालय की ओर से पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाकर 8 MVA किया गया है। CSD प्रथम के अधिकारियों के मुताबिक पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने के कारण भविष्य में कई फीडर को 8 MVA के ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल उक्त पावर ट्रांसफार्मर से सेंद्रा रोड व अस्पताल फीडर जुड़े हुए हैं। जानकारी मिली है कि उक्त ट्रांसफार्मर IPDS स्कीम के तहत 35 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। श्री माहेश्वरी महिला परिषद की ओर से शुक्रवार को माहेश्वरी भवन में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। परिषद अध्यक्षा श्रीमती मंजू तापड़िया ने बताया कि इस उपलक्ष्य में एकल नृत्य प्रतियोगिता, युगल नृत्य तथा सरप्राइजेस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मंत्रानी श्रीमती कुसुमलता मालू ने बताया कि एकल नृत्य प्रतियोगिता में आरती डागा ने प्रथम तथा डिम्पल मालू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजिका राजलक्ष्मी हेड़ा ने बताया कि युगल नृत्य प्रतियोगिता में निकिता नवाल व दीप्ति माहेश्वरी ने प्रथम तथा रश्मि राठी व खुशी जेतलिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सरप्राइजेस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्रीमती वर्षा तापड़िया, रेणु जागेटिया, नीतू राठी, अंजना हेड़ा, किरण राठी, अंजू काबरा, संगीता पंसारी, प्रेम राठी, विष्णु मुंद्रा तथा आशा मुंद्रा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सुरभि जैन तथा रश्मि जैन ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रैशिंग लेबर यूनियन की महिलाओं ने निकाली रैली, विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर SDM को दिया ज्ञापन।
पुलिस की मौजूदगी में शुरू हुआ नारायण आश्रम ट्रस्ट भूमि पर चार दीवारी निर्माण कार्य। रास्ते की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने की SDM से गुहार। प्रशासन को दी शिकायत के बाद भी बदस्तूर जारी है मोबाइल टावर का निर्माण कार्य। क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर लगाई SDM से गुहार। और तीन बाइक सवार उच्चकों ने उड़ाई महिला के गले से 3 तोला सोने की चैन। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए उच्चक के।